एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व, यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। हमारे किसान भाई मंडी में एक क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मर गया।